क्या आपको बड़ी सैलरी चाहिए व्हाइल यू स्विच? सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको सैलरी नेगोशिएशन करना है फॉर बिगर पैकेज। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली थिंग जो आपको करनी है दैट इज एक ऑफर आपको ले लेनी है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्विच मारना ही है तो सबसे पहले इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो और पहला ऑफर ग्रैब कर लो। पहला ऑफर ग्रैब करना इज द डिफिकल्ट थिंग, ओके। पहला ऑफर जैसे ही आपको मिल जाता है ना, उसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज बढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो पहले ऑफर आपको ले लेना है। पहला ऑफर मिलने के बाद में आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन कर देना है, ठीक है। रिजाइन करने के बाद में जो आपका ऑफर रहेगा, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि आप 4 लाख आपकी करंट सैलरी, आपको ऑफर मिली है 6 लाख की, ठीक है। 6 लाख की ऑफर मिलने के बाद में आपको रुकना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देते रहने। जैसे ही आप इंटरव्यूज दोगे आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे आपके इंटरव्यूज इजीली क्रैक होते जाएंगे। और एक बार आपके इंटरव्यूज क्रैक होने लगे तो आपको करंट सैलरी जो कि 4 लाख है उसके ऊपर नेगोशिएट नहीं करना है। इंस्टेड आपको 6 लाख का जो आपका इनहैंड ऑफर है उसके ऊपर नेगोशिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफर मिल गया आपको 6 लाख का, आपने दूसरा इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और दूसरे इंटरव्यू में आपको क्या करना है, आपको 6 लाख नहीं बताना है, एक टिप है, ठीक है, 6 लाख के थोड़ा सा ऊपर बताना है। आपको क्या बताना है कि आपको 6.5 लाख का ऑफर इन हैंड है। तो सामने वाली कंपनी क्या करेगी कि एटलीस्ट वो मैच करेगी या फिर उससे ज्यादा देने का ट्राई करेगी, ठीक है। सो 6 लाख के ऑफर के ऊपर आपको एटलीस्ट 7 से 7.5 लाख का दूसरा ऑफर मिलेगा। अकॉर्डिंगली दूसरा इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में सेम आप तीसरी कंपनी के साथ करोगे, ठीक है। ऐसे करके आपका जो 6 लाख का ऑफर है वो आपका नोटिस पीरियड खत्म होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे आप बिगर सैलरी पैकेज ग्रैब कर सकते हो। ऐसे करके आपको आपका पैकेज बढ़ाना है। ऑल्सो थर्ड थिंग जो प्ले आउट करता है दैट इज कि जैसे ही आपका नोटिस पीरियड एंड होने आएगा ना तो आपका करंट एम्प्लॉय भी ट्राई करेगा कि आपको रिटेन किया जाए और उस टाइम पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा जो पैकेज है वो उनको बताना है, ठीक है, और वो ट्राई करेंगे वो मैच करके देने का। तो उसके बाद में आपके ऊपर रहेगा कि आपको रिटेन होना है या फिर आपको कंपनी छोड़ के जाना है फॉर बिगर पैकेज, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू बट दिस इज द वे जो कि आप फॉलो कर सकते हो और आपके नोटिस पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो और बड़ा पैकेज ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको स्विचिंग के बारे में सीखना है, स्विचिंग कैसे करते हैं, स्विचिंग के बारे में टिप्स चाहिए तो ऑलरेडी मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं जिनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर जाके चेक करना क्योंकि स्विचिंग के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आप अच्छी तरीके से सैलरी नेगोशिएशन कर पाओगे और सैलरी बढ़ा पाओगे आपकी एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। ऑल्सो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है रिगार्डिंग योर करियर डिफिकल्टीज दैट टू फॉर 1-to-1 काउंसिलिंग सेशन तो जरूर आप वो भी कर सकते हो। आप टॉपमेट पे आपका स्लॉट बुक कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर आपका स्लॉट बुक कर लीजिए। So that's it for this video. See you in the next video. Thanks for watching.